नमस्कार। अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद से यूपी चर्चाओं में है। दो तबके हैं, दोनों की अलग अलग राय है। एक वर्ग यह कह रहा है कि यूपी से गुंडों का सफाया हो रहा है और दूसरा वर्ग यह कह रहा है कि यूपी में अब पुलिस ही गुंडा बन गई है, नेता ही गुंडा बनते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ उसी यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हैं। नमस्कार, स्वागत है सर। वो डीजीपी हैं कि ये ऑटो से निकल जाते थे देखने के लिए कि पुलिस वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। कई बार रिश्वत लेने वाले डरते थे कि सादी वर्दी में कहीं डीजीपी साहब ना हो हमारे पास। तो सर हमारे साथ हैं। सर पहला सवाल है, एक शाहरुख खान की फिल्म है चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान ये कहते हैं कि हर टीम में एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं। तो क्या समझा जाए यूपी में अब जो है गुंडा कौन है? मैं ये कहूंगा, कानून की परिधि में रहते हुए अपराधियों की नींद हराम कर देना अगर गुंडे की ये परिभाषा है तो मुझे दोबारा चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस भी रहे, गुंडा भी रहे, डकैत भी रहे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, वो है पुलिस। इसके अलावा और किसी ने दुस्साहस किया म्यान में आने का तो उसके 100 टुकड़े करके भट्टे में झोंक दिए जाओगे। अब आप अपनी परिभाषा बताइए, जो मैंने आपको बताया है इस पैमाने पर आप पुलिस को गुंडा कहेंगे या अपना सर्वस्व त्याग करने वाला समाज का सेवक कर्मी योगी कहेंगे? अगर संविधान के दायरे में रहकर पुलिस अपना काम कर रही है तो फिर पुलिस सेवक है। ये किसने कह दिया कि संविधान के दायरे की लक्ष्मण रेखा पार करके कोई पुलिसकर्मी जाता है? यूपी में 186 मुठभेड़ें हुई, 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन किसी भी नेताशी ने परम विद्वता दिखाते हुए उन पुलिसकर्मियों के बारे में नहीं कहा। क्या उन्होंने सुसाइड किया था इनकाउंटर के दौरान, सेल्फ गोल किया था? लेकिन हमारी नपुंसक इस तरीके की जो व्यवस्था है, पुलिसकर्मी के मरने पे कोई एक शब्द नहीं कहता है। उमेश पाल की हत्या में भी 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनके बारे में किसी नेताजी ने कोई शब्द मानवता के नाते कुछ कहा? नहीं कहा, क्योंकि उसमें राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम कितने नीचे गिरोगे ये अभी देखना बाकी, बाकी तो आप देखते रहेंगे। मेरी तो इनिंग्स पूरी हो चुकी है, आप लोग देखेंगे। अगर ऐसे नेताओं को अगर वर्चस्व में लगाम आई, ये देश को कितना नीलाम कर देंगे। सर आपने कहा कि आपकी इनिंग पूरी हो गई है, आपका अनुभव जो है काफी पुलिस वालों के काम आता है और आज भी लोग आपका नाम लेते हैं। आप 1974 के आईपीएस अफसर रहे हैं, आपने तमाम सरकारों को देखा है, तमाम मुख्यमंत्रियों को देखा है यूपी में। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यूपी में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है अब तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं जिसने अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई की, खूब लगाम लगाया, खूब सख्ती कसी? सबसे पहले नाम अगर मुझे याद आता है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जी। उसके बाद नाम आता है स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी का पहली इनिंग्स में जी, 1991 में। उसके बाद नाम मुझे आता है माननीय योगी जी का, कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी की जितनी स्वायत्तता पुलिस को आज उन्होंने दी है और जितनी सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। 3 मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, वीपी सिंह का नाम लिया आपने और अपने योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया। सर टॉप पे किसको रखेंगे आप? योगी आदित्यनाथ। आपने पहले नंबर पर सीएम योगी को रखा, अब अगर नीचे से पहले नंबर की बात करें तो किसको रखेंगे? ये देखिए, आपका प्रश्न राजनीतिक है, मुख्यमंत्रियों और उनके कार्यकाल में मेरी टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं है। सबसे मेरे संबंध हैं, सबकी मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, देवी देवता कोई नहीं है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि जंगल राज की पराकाष्ठा कब रही है जी। जंगल राज की पराकाष्ठा, मैं पहेली का जवाब पहेली से दे सकता हूँ और पहेली का जवाब पहेली से यही है जी। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, लेकिन दंड के स्थान पे अगर ये कह दिया जाए लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो प्रश्न चिन्ह लगेगा, आप किसकी तरफ हैं? एक सभ्य समाज की तरफ है या बलात्कारियों की तरफ? होशियार को इशारा काफी है। ठीक है सर, आपने कहा कि आपको कभी टिकट नहीं चाहिए, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ यूपी में जितने माफिया रहे हैं अभी, आप देखिए कोई पूर्व विधायक रहा हो, कोई पूर्व सांसद रहा हो, है ना, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनेताओं के सामने ऐसी क्या मजबूरी होती है कि उनको माफियाओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाना पड़ता है? क्यों ना शामिल करें, ये तो वो लड्डू है, आपको क्या नहीं मिल रहा है? एक ताली से कई ताले खुल रहे हैं और पहला ताला वोट बैंक पॉलिटिक्स, एक वोट बैंक्स और वो आपके कब्जे में है। बाहुबली
छोटे मोटे अगर काम है, घर भर खाली कराना है, तो वो धनबल, बाहुबल और इतनी चीजें अगर एक चाबी से मिल रही हैं तो क्यों नहीं जी। और तमाम राजनीतिक स्वार्थ सिद्धियां हो रही हैं बाहुबलियों को लेने में। जिताऊ कैंडिडेट मिल गया, धन लाभ हो गया और एक बाहुबली मिल गया, तो दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में नेताजी के। तो ये चलता रहेगा या फिर व्यवस्था ठीक हो रही है? व्यवस्था तो अगर मैं बताऊं, जितना मैंने अपने जीवन काल में देखा, मैंने सुना है जी कि गोविंद बल्लभ पंत जी से कोई कुछ काम लेकर के आया था, तो उसने कहा कल आना, एक फोन करना था। तो अगले दिन आया तो उन्होंने फोन कर दिया, उनका यही तो आप कल भी कर सकते थे। उनका नहीं, आज रविवार है, 50% छूट है टेलीफोन कॉल में, तो सरकार के 8 आने यानी 50 पैसे मैंने बचा दिए। अच्छा, एक वो मितव्यता थी। हाँ। और आज देख लीजिए कि अगर राजनीतिक मित्रों की कहीं पार्टी हो तो हेलीकॉप्टर जाकर के लीची ले आता है, इमरती लाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी गिरावट कहाँ से और कैसे शुरू हुई है जी। और गिरावट हर स्तर पे हुई है, राजनीतिक शुचिता दिखाई नहीं पड़ रही है। एक और मुख्यमंत्री को मैं बता दूं जी, चौधरी चरण सिंह साहब। हाँ। मुख्यमंत्री थे तो किसी ने कहा ये विधायक अमरीका के पढ़े हुए हैं, बहुत काबिल है, इनको मंत्री बना दिया। जिनका नहीं, उसके कई महिलाओं से संबंध है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? महिलाओं से संबंध में तो राजकीय कार्य के संपादन में तो कोई व्यवधान है नहीं। हाँ। गौर से सुनो, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश और समाज का क्या होगा? ये चौधरी चरण सिंह ने जी, वो देश और समाज का क्या होगा? हाँ। ऐसे निर्लज्ज और पापियों का आइंदा जिक्र मत करना, हम समझेंगे तुम भी उसके हमदर्द हो, तुम्हें भी मैं बाहर कर दूंगा। अभी तो अतीक मारा गया, जब आप डीजीपी थे तो ये अतीक कितना बड़ा नाम था सर, उस समय का कोई किस्सा? हाँ, मैं बताता हूँ किस्से। आपके बहुत बड़ा नाम था। सबसे पास जब मैं डीजीपी बना 2007 में, तो मैंने पहला मुकदमा इनका वही लिखाया, उमेश पाल वाला, जिसमें इनको सजा हुई। पहला मुकदमा लिखवाने वाले आप जी थे? जी जी, इसमें इनको गैंगस्टर एक्ट लगाने वाला मैं ही था, जेल भेजने वाला मैं ही था। ये सब होने के बाद, और मुझे भी इतनी स्वायत्तता मिली थी कि मैं जो चाहूँ कर लूँ अपराधियों के खिलाफ। जब इतना सब प्रसाद मिल गया तो शाइस्ता अपने बेटे असद को, जो कि लगभग 6 साल का रहा होगा, लेकर के आई रहम की भीख मांगने के लिए, कहा कि इसको यतीम मत कीजिएगा और बेवा मत कीजिएगा मुझे। कही तो आप, इसका निर्णय मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, आप खिदमत का मौका देंगी तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, ये भी बता दूं। मैं जाकर के अपने शौहर को बता दीजिए मैं बहुत लंबा नहीं रहूंगा, जितने दिन हूं सुधर जाए, ऐसा कोई काम ना करें कि मुझे खिदमत करनी पड़े। खिदमत करनी पड़ेगी तो मैं आखिर तक जिनकी और पहलों की खिदमत की है उनकी भी वैसी ही या उससे ज्यादा खिदमत कर सकता। अच्छा। जी, सभी बाहुबलियों को उनके हिसाब से प्रसाद मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक अंतर बताता हूँ, उमेश पाल और दो सिपाहियों की हत्या दिन दहाड़े बम मार के करना, लोग कहते साहब इनके खिलाफ कब होगा, उनका आके काम कीजिए, ऐसे एक हत्याकांड कर दीजिए, आपको प्रसाद मिल जाएगा शाम तक। आप शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री को चुनौती देंगे और आप चैन से बैठेंगे, मिट्टी में ही मिलेंगे। और मिट्टी में जरा, ये तो फिर भी होम्योपैथिक इलाज हुआ है, वो इलाज होगा कि आप भूल जाएंगे 7 पुश्त। सर, जैसा मैंने आपको बताया कि यूपी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी सीएम योगी ने माफियाओं की एक सूची भी जारी की है, सर रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनका नाम मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये बता दूं, बाहुबली हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मसीहा हैं, कुछ लोग नेता जनसेवक के रूप में उनको देखते हैं। मैं कौन हूँ? तो मैं तो कानून का गुलाम हूँ। मेरे कार्यकाल में ये भी जेल में गए, गैंगस्टर एक्ट में अंदर हुए और प्रॉपर्टी और कुर्क हो गई थी इनकी। मेरा जवाब यही है, कानून की परिध को आपने लक्ष्मण रेखा को पार किया फिर ये माने नहीं रखता है आप कौन है, कहाँ है, क्या है। फिर जो कानून के हिसाब से प्रसाद वितरण होना चाहिए वो तुरंत होना चाहिए, तत्काल। तो राजा भैया सर, अभी आपके हिसाब से उनको बाहुबली कहना ठीक होगा या सेवक कहना ठीक होगा, क्योंकि अब तो विधायक भी हैं? देखिए, राजनीतिक प्रश्नों का मैं परहेज करता क्योंकि राजनीति मेरा विषय। आप उनको कैसे लेते थे जब आप बीजेपी थे? आपको मैंने बताया ना, गैंगस्टर एक्ट में चालान, जेल में भेजा जाना और उनकी संपत्ति कुर्क कर लेना, जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो सकती थी सब तो मेरे द्वारा ही उनको दी गई थी, राजा भैया को जी, मैंने ही तो दिया था। तो हमारा तो चैलेंज था, मैं क्या चैलेंज, जो अपने को सबसे बड़ा बाहुबली मानता है, जो सबसे बड़ा अपने को, तो पहले अपनी पूरी सुरक्षा कर ले और बता दे कि अब मैं सुरक्षित हूँ और मैं उसको बता दूंगा वो कितना सुरक्षित है, कोई भी। सर, कभी आपको ऐसा भय नहीं लगा
कभी मन में आया कि भाई जा रहे हैं इतनी बड़े बाहुबलियों को मैं चुनौती दे रहा हूँ? और यूपी तो उस समय मतलब माफियागिरी के लिए जाना जाता था। देखिए अगर आप भयाक्रांत मतलब घर का माहौल कैसा रहता था, लोग क्या कहते कि भाई देखना आराम से जरा संभल के? मैं पुलिस के कार्य लेकर के घर में कभी आता नहीं था। मेरी श्रीमती जी को तब भी नहीं मालूम था और आज भी नहीं मालूम है थाने चौकी में अंतर क्या होता है। अच्छा। और मेरी जिम्मेदारियां क्या क्या है। वो जब टीवी देखती थी कुछ भाई ये आपने क्या कर दिया, ये क्या हो गया है, लोग क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। हमने कहा तुमसे पहले तुम देखा मत करो, दूरदर्शन देखा मत करो, तुम समझ नहीं पाओगे। बच्चे मेरे बहुत दूर दूर थे तो मैं घर का काम दफ्तर में लेके नहीं जाता, दफ्तर का काम लेके मैं घर में नहीं आता था। लेकिन मुझे जो करना था, और मैं उस जनरेशन का हूँ जब पुलिस अफसर से कहा जाता था अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जो आधा कसाई है आधा इंसान है, जिनकी बलि चढ़नी है उनकी बलि चढ़नी ही है। सर कभी मुख्तार अंसारी से आपका सामना हुआ? अगर आप गूगल जाके करके देखें तो मुख्तार अंसारी ने 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर उनकी हत्या होती है तो मेरी जिम्मेदारी मानी जाए। आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। ऐसा क्यों सर? उनको आपसे डर था? बहुत, इतना खौफ था कि उन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके कुरेट पिटीशन भी की थी। आपका नाम लिया उन्होंने? हाँ मेरा नाम। आप गूगल पे जहाँ देखें गैंगस्टर अप्रेहेंड थ्रेट टू हिज लाइफ फ्रॉम विक्रम सिंह, तो मेरा किसी से कुछ, मैं तो गांधीयन आदमी हूँ, मैं किसी के ऊपर हिंसा कर ही नहीं, सोच भी नहीं सकता हूँ, मेरे मिजाज में भी हिंसा करना नहीं है। लेकिन अगर हिंसा हो रही है वही अहिंसा, जो हिंसा करता है उसके ऊपर हिंसा करना यही अहिंसा है, दूसरा गाल दिखाना अहिंसा नहीं है, जो हिंसा करे उसके ऊपर हिंसा करना अहिंसा है। तो मेरा तो चैलेंज था, आप जितने बड़े तुर्रम खा रहे हो आप एक खिदमत का मौका दीजिए, आप भूल जाएंगे हिंसा क्या होती है, एक मौका दे दीजिए। ऐसा कुछ करने का प्लान तो नहीं था आपका? नहीं, मैं तो यूपी में हो जाता है ऐसा। नहीं, मैं आपको अपने जीवन का एक बता दूं, मैं कुछ प्लान नहीं करता। जब कोई आतताई होता है जैसे शिशुपाल के 100 पाप जब हुए तो वो अपने सत्यानाश की व्यवस्था और ताना बाना खुद बुन लेता है। और ये कहा भी गया है एक हत्यारा एक हिंसक अपनी बर्बादी का DNA साथ लेके आता है। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था, या तो कुछ ऐसे इनकाउंटर्स हो जाते थे या कुछ पुलिस के साथ मुठभेड़े हो जाती थी कि उनका समापन वहीं हो जाता था। सर आप एक वो अधिकारी हैं जिससे माफिया डॉन डरते हैं, डरते थे, डरते होंगे भी अभी भी शायद आपका नाम सुन के। लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिन पर आरोप लगता है कि माफियाओं से इनकी मिली भगत है। सर आप देख भी रहे होंगे कि आजकल जेल में जो अपराधी जेल में बंद होते हैं वहीं पे अपना नेटवर्क बना लेते हैं, वहीं से इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए वहीं से अपना गैंग चला रहे हैं। तो सर ये क्यों होता है, जेल में ये लोग कैसे अपना नेटवर्क बना लेते हैं और पुलिस को खबर नहीं मिलती है, बाद में खुलासा होता है? इसका एक ही कारण है, अधिक काल जेल में उसका एक कमरा था जहाँ पे वो लोगों को मारता था, पीटता था और जेल से वो धमकी देता था कि ऐसे वीडियो जाए। तो सर ऐसा क्या होता है, मतलब जेल में कैसे नेटवर्क बना लेते हैं? मैं 3 बाहुबलियों का उदाहरण दूंगा जी, अतीक, मुख्तार और अमरमणि त्रिपाठी जी। तीनों के साम्राज्य अपने हिसाब चलते। अतीक आपने बताया उठवा करके बुलवा के अपने सेल में बैरक में उल्टा टंगवाया और उसकी पिटाई की जी, फोन का खूब दुरुपयोग किया जी। मुख्तार अंसारी ने अपने गाजीपुर जेल में एक तालाब बनवाया, मछली पलवाई, जिससे कि ताजी मछली का सेवन उसको रोज सुबह शाम हो सके। बैडमिंटन कोर्ट बनाया जहां DM साहब और मुख्तार अंसारी रोज बैडमिंटन खेलते थे। बताइए अमरमणि त्रिपाठी दरबार लगाता था, भंडारा रोज करता था। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे जेल प्रशासन में, अच्छा मैं इसको बुरा इसलिए भी मानता हूँ जी, मैं ईमानदार हूँ, अच्छी बात है क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि आप ईमानदार रहेंगे, लेकिन मेरे नीचे सुल्ताना और मानसिंह फल फूल रहे हैं, ये भी मेरे ऊपर है कि आपकी प्रशासनिक क्षमता ऐसी नहीं है कि आप सुल्ताना मानसिंह को मरोड़ के सिगरेट की बट की तरह फूक ना पाए। सुल्ताना मानसिंह फलते फूलते रहे आपके यहाँ, आपको चाहिए, आप ईमानदार हैं अच्छी बात है, लेकिन आपके नीचे सुल्ताना मानसिंह न फलें, वरना आप बराबर के हिस्सेदार हैं और नहीं तो अव्वल दर्जे के नालायक। दोनों ही इस परिस्थिति में आपको IPS में रहने का कोई औचित्य नहीं है, आप करके दिखा दीजिए, आप करके दिखा दीजिए। हमें जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब ये जिंदगी की आखिरी रिश्वत होगी अगर कोई सुविधा पे देने का कष्ट किया। आजकल इनकाउंटर को लेकर खूब सारी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है सर जो यूपी में जिस तरह के इनकाउंटर हो रहे हैं क्या वो सही है? एनकाउंटर के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं, तो पहले मैं तो भ्रांतियां दूर, मतलब क्या पुलिस की एकदम मजबूरी होती है तभी वो पुलिस एनकाउंटर करती है? नहीं मजबूरी नहीं, एनकाउंटर तो लगे कि मतलब अपराधी हमें गोली मार देगा, एनकाउंटर कर दिया, कर क्या दिया एनकाउंटर, आप आकर के चढ़ बैठे उसके बाद कनपटी पे पिस्तौल लगा के गोली मारना शुरू कर दे तो मारे नहीं जाएंगे,
मारे जाएंगे। एनकाउंटर की कानूनी परिधि और हर एनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी से होके गुजरता है। एनकाउंटर में धारा 96 से लेकर धारा 106 इंडियन पीनल कोड, धारा 46 और 60 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें दिया हुआ है कि पुलिस किन परिस्थितियों में आत्मरक्षा में, किसी दूसरे की रक्षा में, जान और माल को सुरक्षित करने के लिए कितना बल प्रयोग कर सकता है। और हमारे बड़े बड़े अधिवक्ता जो बात कर रहे हैं 10 लाख रुपए कहते हैं साहब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, श्रीमान जी अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है तो न्यायालय में जाके एक FIR करा दीजिए। एनकाउंटर जब होता है तो पहले पंचनामा होता है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, FIR होती है, FIR में अगर फाइनल रिपोर्ट लगेगी, चार्जशीट लगेगी, न्यायालय उसको या तो स्वीकार करेगा, रिजेक्ट करेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक आख्या जाती है, 13 पुलिसकर्मी वर्तमान में शहीद हो गए, 3 बार मुझे भी गोली लग चुकी है एनकाउंटर में, गोलियों का आदान प्रदान में, ये सब फर्जी हैं, ये सब फर्जी हैं, इस तरीके की बातें अनर्गल हैं और अपनी ओछी राजनीति करने के लिए। सर आपका ये वाला अनुभव मैं जानना चाहूंगा कि एनकाउंटर में आपको जब 3 गोली लगी थी, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था? पुरानी बातें हैं, हमीरपुर में दस्यु प्रभावित था, फूलन देवी गिरोह, बलखान सिंह गिरोह चलता था, दस्युओं के साथ मुठभेड़ में गोलियों का आदान प्रदान हो रहा था, रात के अंधेरे में मेरे 3 सहयोगी शहीद हो गए थे, उनकी लाशें ले जाने ले आने में बहुत थका था, जाड़े का टाइम था, 26 दिसंबर सन 81 की बात रही होगी, या समय क्या कमान थे आपके पास, क्या एसपी हमीरपुर जी। तो उसके बाद बदमाशों को तो खैर मार ही लिया था, तो थकावट, शाम के 3 बजे से इनकाउंटर, सुबह 4 बजे तक, तो जब घर आए तो सब खून से कपड़े, वर्दी सनी हुई थी कोट, तो उसके बाद जब कपड़े उतारे तो विशेष ने कहा आपके तो बहुत खून यहाँ पे भी, हम कहने वो दूसरों का लाशों का खून लगा होगा, लेकिन जब देखा नहीं तो आपके नहीं, आपकी तो ये बिल्कुल उधड़ा हुआ है बिल्कुल, उसमें ये भी समझ में नहीं आया कि गोली लग चुकी है, तुरंत CMO को जगवाया गया, सब और सर्जरी हुई, खैर वो ख़त्म हुआ जी। और उसके बाद हम एटा में आते हैं वर्ष 1982 या 83 में, तो तब मुठभेड़ हो, तब तो इतनी मुठभेड़ें हुई, इतनी रोज़ मुठभेड़ें होती थी, उसमें भी एक शोल्डर ब्लेड पर एक गोली लगी थी। तीसरी कानपुर में जब दंगा हुआ था सन 91 का, तो किसी ने गाड़ी पे ग्रेनेड फेंका था, तो ग्रेनेड के शार्पनेस मुझको लगे थे, उसकी बात नहीं। पुलिसकर्मी आपके पहला सवाल आपने किया था कि अगर डर लगता है तो पुलिस में ना आए, तमाम और नौकरियां हैं आपकी, कस्टम सेंट्रल एक्साइज है और पोस्टल सर्विस है और ऑडिट्स एंड अकाउंट्स है, वहाँ जाएँ, वहाँ शोभा बढ़ाएँ, लेकिन पुलिस ने अगर मरने का डर है या घायल होने का डर है तो शायद पुलिस उपयुक्त नहीं। कितने लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, इतना नाम रोशन कर रहे हैं, उनको रोकना पड़ता है जी। जो कहा जाता था यंग IPS अफसर तो उस अरबी घोड़े की तरह है जिसको रोकना पड़े, ठेलना ना पड़े। एक और आपका अनुभव मैं समझना चाहूंगा सर, पुलिस पर राजनीतिक दबाव कितना होता है कि फला माफिया को पकड़िए या भी फला माफिया को मत पकड़िए, और जब आपके ऊपर भी ऐसे दबाव होंगे, अभी भी होंगे कई पुलिस वालों पे, तो आपने इसको मैनेज कैसे किया कि राजनीतिक दबाव ठीक है, एक मेरा फर्ज ठीक है, तो दोनों को मिला जुला के सही दिशा में चले। अब ये आपके ऊपर है, आप दबाव मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपने क्या किया था? नहीं माना, और आपकी एक शोहरत बन जाती है। जब आप एक जिले में जाते हैं तो आपकी शोहरत आपसे पहले पहुंच जाती है कि ये अधिकारी शराब नहीं पीता है, ये अधिकारी रिश्वत नहीं लेता है, ये अगर आधी रात को अगर आपके यहाँ डकैती पड़ रही तो खुद पहुंच जाएगा गोली चलाने के लिए, अगर आपके यहाँ जुल्म ज्यादती होगी तो जिसने किया है वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सर मान लीजिए एक क्लास भी हो गई, एक पुलिस वाला है और उस पर राजनीतिक दबाव है कि आपको इस माफिया को नहीं पकड़ना है, छोड़ देना है, लेकिन उसका फर्ज कह रहा है कि नहीं हमें इसे पकड़ना है, और अगर वो राजनेताओं की बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद उसे सस्पेंड करे या फिर कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, बेशक। तो ऐसे में उसे अपराधी को पकड़ने के लिए उसे अपने पद पर बने भी रहना है, तो वो दबाव को भी और अपने फर्ज को भी दोनों को जब मिलाकर चलेगा तो शायद आगे बढ़ेगा, तो कैसे मैनेज करें? नेता तो नेता है, वो कहेंगे ही नाजायज दबाव भी डालेंगे, नाजायज दबाव क्यों डालेंगे, इसलिए नहीं कि कोई उनके अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा का है, हिस्सेदारी कहीं ना कहीं होगी जी। आप कूटनीति, कूटनीति जैसे महाभारत में कहा गया है एक शस्त्र है, इस शस्त्र का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा है और वो बहुत ऊंचे पद पे है, आपकी हानि कर सकता है, बिल्कुल होगा, लेकिन आपके संस्कार कहते हैं मदद नहीं होनी है तो मदद तो नहीं होगी। एक उदाहरण मिल जाए तो हाँ, एक नहीं 10 उदाहरण है जी। एक उदाहरण है कि साहब इस तरफ न देखिएगा क्योंकि ये हमारा बहुत खास है। आपका खास है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
मुझे जरा समझने दीजिए, एक हफ्ते में जितना उनका नेक्सस था उसका डॉक्यूमेंटेशन, थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी, अपराध रजिस्टर और एसपी कॉन्फिडेंशियल नोटबुक, सब में उनका ब्यौरा डाल दिया। दो चार तफ्तीशों में नेताजी का नाम जो कि था गलत नहीं उसमें समावेश कर लिया। और उसके बाद नेताजी को बुलाए एक हफ्ते बाद, नेताजी मैंने तो बहुत कोशिश की इस माफिया की मदद करने को, लेकिन जब मैंने कुरेदा उसमें तो आपका नाम आ रहा है माल लेने में, उसमें अच्छा। नाम आ रहा है कि इंट्रोगेशन उसने आपका नाम लिया था, अच्छा। हथियार आपने दिया है, इसने ये भी दिया है कि आप नेताजी बराबर हिस्सेदार हैं, आप ही ने उसकी प्रेरणा की, तो वो ज़माना फ़ोटो तो लेना आसान नहीं था। आप सुनना चाहते हैं सुन लीजिए, टेप है मेरे पास और इस टेप की एक कॉपी DGP के यहाँ है और एक कॉपी अभी मैंने रख रखी कहीं आगे भेजने के लिए, अच्छा। बाकी ये डोसियर बने हुए हैं, ये मैं भेजने वाला था मुख्यमंत्री जी के यहाँ, क्योंकि इतनी गंभीर चीज़ें यहाँ तक रहना ठीक नहीं है। जी सर, आप बताएं उन्होंने क्या किया होगा, घूम करके आके मेज के आगे फेंक के कि आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपके लगाया हुआ पेड़ हूँ, आपका पैरों की जूती हूँ। नेताजी, हाँ नेताजी, दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करेगा आपसे कि माफिया को छोड़ दीजिए, आपने दो तीन का नाम लिया और उनकी जैसी दुर्गत हुई, न भूतों न भविष्यतों। आप IPS अफसर हैं, थोड़ी तो मेधा प्रतिभा और रितंबरा और बुद्धि परमात्मा ने दी है, उसका प्रयोग कीजिए। हर जगह पिस्तौल नहीं निकाली जाती, जहां काम आए सुई कहां करे तलवार। जी, इस बात की कितनी संभावना है कि मुख्तार अंसारी भी जहां पे है, जिस जेल में बंद है, वहां भी वो अपना एक नेटवर्क बना ले और वहां से शायद अपना गिरोह चलाता हो। नेटवर्क उसके बेटे ने बनाया ही, वो बाद में जब डिटेक्ट हुआ तब कार्रवाई हुई। ये मान लेना कि माफिया, ये कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो सीधी होने वाली नहीं है। चोर चोरी से जा सकता, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। हम माफिया जेल में रहे और हेरा फेरी न करे, ये तब संभव है जब आप सिंगापुर के लुंगी प्रिजंस की तरह अपने जेलों को बना लें। अच्छा। लुंगी प्रिजंस में आदमी कितने बार शौचालय जाता है, कितनी बार खांसता है, कितनी बार छींकता है, कितना भोजन करता है, CCTV के जरिए और तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण से वहाँ मक्खी भी अगर जाए सेल में तो इसकी जानकारी हो जाती है। बाकी माचिस सिगरेट और सुलटा ये सब तो छोड़ दीजिए, लुंगी प्रिजंस अगर सिंगापुर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मिसाल आपको बताता हूँ, हालांकि मैं बहुत ही गांधीवादी हूँ, मैं कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूँ। एक थे राजू भटनागर, ये बहुत बड़े किडनैपर थे हिंदुस्तान के लेवल के, यहाँ तक कि इन्होंने अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग का भी प्लान बनाया था। मुठभेड़ हुई लेकिन सूरत ये बनी कि वो जिंदा रह गए, जिंदा क्या रह गए, मारे नहीं गए, तो उनको जेल भेज दिया। मुठभेड़ में आप शामिल थे? नहीं, मैं शामिल नहीं था। ठीक है, मुठभेड़ में पुलिसकर्मी शामिल थे, तो वो जेल में दाखिल कर दिए गए। जेल में जब दाखिल हुए तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को एक जगह कि विक्रम सिंह जी ने कहा है कि तुम जेल में सुरक्षित नहीं हो, जेल में भी सांप निकल सकते हैं। तो अब लोगों की अपनी धारणा, मैं क्या कुछ सफेरा हूँ, मैं कुछ सफेरा हूँ, ये उनकी जैसी भावना थी। वैसा राजू भट्टागर जी ने आरोप लगाया, मुख्तार अंसारी का, अगर उनकी हत्या होती तो मेरी जिम्मेदारी मानी जाए, तो मैं कोई हत्यारा हूँ, माँ बाप ने हत्यारा बनाने के लिए हमारी शिक्षा दीक्षा दी। तो ये हमने कुछ एक आध उदाहरण आपके सामने दिए, जिसको कह रहे कि मैंने अभी कभी कभी भी अपने जीवन में अपने को असहाय नहीं समझा है। उसी गाजीपुर में कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ था, साल 2004 या 2005 की बात है, उस समय सर आप कहाँ थे और उस समय प्रदेश का माहौल कैसा था? हाँ, तो मैं बताता हूँ, मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर था, उसके पहले सरकार बदली तो एक विभाग ढूंढा गया कि जहाँ पर न दफ्तर हो, न कोई फाइल हो, न कोई कर्मचारी हो, तो एक विभाग का गठन हुआ, UP इंटर स्टेट बॉर्डर फोर्स, मैं वहाँ पर था उस वक्त, क्योंकि ऐसी जिसको कहते थे पुलिस की पार्लेंस में साइबेरिया, इनकी पोस्टिंग वहाँ कर दो जो साइबेरिया हो, और राजनेता क्या कर लेगा, राजनेता आपको साइबेरिया ही तो भेज सकता है, इसे तो नहीं कर लेगा। अगर आपके ध्यान कहीं और है किसी पद को लेकर के कि यहाँ कुछ अतिरिक्त इसके अलावा कुछ है, आपका अधिकार केवल जो राष्ट्रपति का चेक आता है, इसके अलावा आपका कोई अधिकार किसी चीज पे नहीं है। तो आप साइबेरिया में रहें तो, लंदन में रहें तो, नई दिल्ली में रहें तो, लखनऊ में रहें तो, बॉर्डर फोर्स में रहें तो, और DGP रहें तो, तनख्वाह का चेक उतना ही आएगा। तो मैं साइबेरिया में था उस वक्त, और क्यों था ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं माकूल अधिकारी नहीं था, और इतना नामाकूल था मैं कि एक प्रश्न फिर जाएगा, गूगल कीजिएगा, उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह अमर सिंह के ऊपर, नेताजी के ऊपर और अखिलेश के ऊपर पोटा लगाने वाले थे, आप समझ सकते हैं,
नेताजी एक सम्मानित नेता हैं, डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के, प्रधानमंत्री मटेरियल थे हमारे। मैं पोटा लगा दूंगा, मैं पागल हूं क्या? मैं अखिलेश जी के ऊपर मैं पोटा लगा दूंगा किस चार्ज पे? पोटा एक बहुत गंभीर प्रकरण है। अमर सिंह के लिए मैं कुछ कहूंगा ना, क्योंकि गुजर चुके हैं, जो गुजर चुका है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहा मैंने यही था कि अगर आप सेवा का मौका देंगे तो मैं निराश भी नहीं करूंगा। अमर सिंह से कहा था, और किसी से? तो उस समय सर कैसा माहौल था प्रदेश का जब यह हत्याकांड हुआ था? कृष्णानंद राय का हत्याकांड बताता था प्रदेश का वातावरण क्या था। शैलेंद्र प्रताप सिंह को बर्खास्त करने की नौबत आ गई, इस्तीफा देना पड़ा। मुख्तार की LMG को हटाने की बात आ गई कि मत दिखाओ, पोटा लगा था उसको हटाने की बात आ गई। कृष्णानंद राय के ऊपर तो मैंने सुना कि सैकड़ों गोली उसके जिस्म पे थी, और सैकड़ों गोली अगर थी उसके जिस्म में, दिन दहाड़े घात लगा करके एम्बुश, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई करना होना, आप समझ सकते हैं कि ऐसी अराजकता। ये तो दो जो मारे गए उसके ऊपर स्वार्थ सिद्धि, जो इस तरीके की राजनीति छोटी और ऊंची राजनीति हो रही है। जो सिपाही मारेंगे उसके बारे में चर्चा नहीं, उमेश पाल मारेंगे नहीं, कृष्णानंद राय मारेंगे उसकी चर्चा नहीं, लेकिन हाँ इनके मार गए ये भी गलत है, अतीक और अशरफ। लेकिन जितना हल्ला आज अतीक और अशरफ के लिए मारने पे हो रहा है, इसका आधा परसेंट भी कृष्णानंद राय के हत्या के बाद नहीं हुआ था। आधा परसेंट उमेश पाल और दो सिपाहियों के शहीद होने के बाद नहीं हुआ था। कोई ऐसा सर किस्सा जो आप आज सुनाना चाहें, कैसे बाहुबलियों के साथ आपका आमना सामना हो और कैसे आपने उसको टैकल किया? किससे? तो वो हो जिनसे इनका संपर्क हमारा देखी था, या तुम रहोगे या मैं रहूंगा, तो ज्यादा कुछ समीकरण नहीं रहता था। या तुम रहोगे या मैं, दोनों नहीं रहेंगे। बात बताता हूँ साफ, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। और हमारे ऐसे अधिकारी बहुत ज्यादा नहीं, ये बात दूसरी थी, जहां रहा 3 साल से कम नहीं रहा। धमकी भरे खत आते थे आपके? कुछ नहीं आते थे धमकी भरे खत, जानते थे कि वो उनकी आखिरी धमकी भरा खत होगा अगर भेजा था तो। आप यहाँ भी देखता हूँ मैं कि आज आप यहाँ पे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि आपने अपने समय में खूब अपराधियों को जेल में डाले हैं, तो कहीं से कोई आ जाए और कहीं से कोई आ जाएगा तो दो दो हाथ होगा, उसका दांव लगेगा, मुझे मार देगा, मेरा दांव लगेगा मैं मार दूंगा। इसके लिए आदमी पहले दिन से तैयार रहता है, ठीक है। और मैं तो 288 नॉट आउट हूँ, 288 नॉट आउट हूँ, मुझे अब कुछ प्राप्त नहीं करना है। आपने कितने काउंटर किए सर? आप बताइए कितने हो सकते हैं? आप बताइए, फिगर मत बताइएगा, लेकिन मैं वहीं रहा हूँ जहाँ एनकाउंटर होते रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब के राज्य में रोज 5-7-10 एनकाउंटर होते थे, ठीक। अब आप टोटल कर लीजिए, मैं थ्रू आउट फील्ड में रहा हूँ, ठीक है, थ्रू आउट उसमें रहा हूँ, इसकी गिनती क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अभिजस विधि हाथ, ठीक है। सब कुछ ठीक होना अच्छी बात है, लेकिन सर कहीं कुछ कमी है क्या, और कहाँ मजबूत करना है? बहुत कमियां हैं, हाँ। और जो बहुत कमियां ये है कि जो आशीर्वाद जनपद स्तर पे मिल रहा है वो आशीर्वाद थाने स्तर पे मिले, क्योंकि आधारशिला अगर कमजोर होगी तो ये 12 मंजिला इमारत ये हिलने लगेगी। थाने स्तर पे FIR नहीं हो रही है, थाने स्तर पे रिश्वत का स्तर यथावत है, और इस प्रकार की जो प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंस होती है, व्यवसायिक दक्षता जी, वो बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। साइबर क्राइम छत चढ़ के बोल रहा है, हमारे कर्मचारियों को अधिकारियों को साइबर क्राइम की तरफ ध्यान देना होगा। और फुट पेट्रोलिंग करिए, AC में बैठने की आदत छोड़ दीजिए, दोपहर में सोने की आदत छोड़ दीजिए, और बिस्लेरी पीना छोड़ दीजिए, नल का पानी पीजिए और कुएं का पानी पीजिए, जो मैंडेटरी है कि साल में 4 महीने गांव में जाकर के रहिए प्राइमरी स्कूल में। आदत मत बिगाड़िए, क्योंकि आराम तलवी घुन की तरह आपके व्यक्तित्व को खा जाएगी। आपने सर एक बात कही थी जब मैं आया था कि ब्राह्मण की विधवा पत्नी की तरह बन जाइए, किसी से एक रुपया ना देना है ना देना है, वो बात सर एक बार यहाँ के पुलिस वालों को एक बार फिर से बता। मैं जब प्रशिक्षण में, पुलिस वालों को ये बात सुननी चाहिए सर, मैं जब प्रशिक्षण में आया था तो मेरे जो गुरुजन थे उन्होंने 2-3 सूत्र दिए थे। पहला सूत्र, जैसे ब्राह्मण की विधवा गांव में रहती है वैसे रहिए, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, किसी से कोई संपर्क नहीं रखना, किसी से कोई तोहफे नहीं लेना, किसी को कोई तोहफे न देना, एकांतवास का कैवल्य का आनंद लीजिए, किसी तरह का फर्जी काम न कीजिएगा, औलाद अपाहिज हो जाएगी, सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 3 कि जितनी तनख्वाह आती है बच्चों की परवरिश उसी में कीजिएगा, क्योंकि अगर बाहर का या गलत पैसा घर में आएगा तो वो आपकी सेहत और परिवार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगी। और जेल की हालत को भी अभी ठीक करनी होगी यूपी में? बिल्कुल करनी होगी, कि जेल भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है अपराध और अपराधियों की आरामगाह बनने का।
तो ये थे हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और हमेशा की तरह इन्होंने खूब बेबाक जवाब दिए। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।